चाहिए सो so can... बैकग्राउंड पता होता है देन इट विल बी इजी फॉर मी थोड़ा अच्छा से बोलने के लिए कुछ कुछ ऑलरेडी पता है मैं रिपीट नहीं करना चाहिए सो uh, so, um, सभी आपका मोबाइल से मैं एक लिंक देते चैट बॉक्स अभी મેં ચેટ બોક્સ સે એક લિંક ડાલા તા આ મેરા સેશન સે થોડા દો તીન રૂલ હે આ રીકવેસ્ટસ અબી મેરા રૂલ્સ થોડા ફોલો કરના ચાહીએ એક કે આપકા કુછ ક્વેશ્ચન હે હાથ ઉટાના હે વર્ચ્યુઅલ હેન્ડ ઓન્લી ઠીક હે આપકા વર્ચ્યુઅલ હેન્ડ ઉટાને કે લિયે શીખના પડેગા આપકા pata nahi hai aaj seekh dijiye kaisa lena hai so aapka kuch question hai chat box se likh dijiye otherwise aapka virtual hand uta dijiye बट मेरा क्वेश्चन में देके थोड़ा थोड़ा इन बिटवीन इन बिटवीन में क्वेश्चन नहीं लेते क्वेश्चन चैट बॉक्स से आते हैं इंटरग्रेट करके रेस्पॉन्ड कर देंगे सेकेंड चीज है पूरा सेशन आप नोट्स लिखने के लिए जरूरी नहीं है बट सेशन से ध्यान रखने के लिए जरूरी है आप कुछ भी अच्छा से लिसन करेंगे आपका मन से होता है देन वो oh, आपका

दान ध्यान से सुना आ, लिसन कर दीजिए आपका कुछ डाउट आएंगे ऑब्जर्वेशन आएंगे चैट बॉक्स से लिख दीजिए आपका इंग्लिश से लिखने के लिए नहीं आते हिंदी से लिख दीजिए मैं गूगल ट्रांसलेट यूज करके चेक कर सकते सो so इश्यू नहीं है बट एट द एंड ऑफ द सेशन आप सभी का यू शुड फील दट आप कुछ सीखा था इस सेशन से ठीक है वो इंटेंशन का साथ आप ये सेशन से लिसन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहे व्हेन आई एम पुटिंग सम लिंक मैं कुछ लिंक डालने के टाइम इमीडिएटली मैसेज नहीं डालना बिकॉज़ सभी का डिस्टर्ब होता है ठीक है सभी में एक एक्टिविटी के लिए लिंक डाल रहे हैं आप क्या करना है ये लिंक का क्लिक कर दीजिए आपका एक बॉक्स मिला आप लास्ट चार दिन से नया थ्री टर्म्स विच यू लर्न न्यूली आप तीन चीज है आप लास्ट फोर डे से नया सीखा था तीन वर्ड लिखना पड़ेगा सेंटेंस नहीं है तीन वर्ड है ठीक है मैं दोबारा लिंक डाल रहे सो so, ये लिंक क्लिक कर दीजिए आपका एक बॉक्स आएंगे ओके ऑलरेडी ट्वेंटी फोर पीपल हैव सबमिटेड वेरी गुड अभी मेरा स्क्रीन शेयर करेंगे सभी एक्चुअली स्क्रीन अब का कंप्लीट करने के बाद स्क्रीन ऑब्जर्व कर दो ठीक है थर्टी वन पीपल हैव सबमिटेड रेस्पॉन्स आप स्क्रीन से ऑब्जर्व कर सकते क्या चल रहा है कितना पार्टिसिपेंट है टू फिफ्टी टू पार्टिसिपेंट है अभी तक ओनली सेवेंटी नाइन रेस्पॉन्स दिया जस्ट तीन रेस्पॉन्स देने के बाद कुछ नहीं करना है जस्ट स्क्रीन ऑब्जर्व कर दीजिए नेक्स्ट टू मिनट्स टाइम देते सभी का सबमिट करने के लिए लिंक जस्ट लिंक क्लिक करना है आप ऐसा लिंक क्लिक करने के टाइम ऐसा आपका क्वेश्चन बॉक्स आते हैंगे तीन वर्ड इधर टाइप करो थ्री टर्म्स आप सीखने वाली तीन नया वर्ड है इधर से करके सबमिट करना इतना काम ही करना है Last one minute. Uh, अभी आपका क्या देखा था वॉट डिड यू ऑब्जर्व ऑन want टू रेस्पॉन्ड ऑलवेज शुड रेस योर वर्चुअल हैंड आप कौन भी आंसर देना है आप वर्चुअल हैंड रेस करना है हम आपका अनम्यूट करने के लिए परमिशन यस yes. मिलन चंद्रा जी क्या देखा था आपका मैं, मेंटीमीटर में सभी लोगों ने उन तीन वर्ड्स को लिखा जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने जो पसंद किया या जो लिखा है वो एनिमेशन है और सबसे ज्यादा उन उन उस शब्द को लिखा गया था मैम ठीक है अह uh, बीआरसी कुछ पसंद बीआरसी नाम लिखा था गुड मॉर्निंग मैम या माय नेम इज दिजीत आई चेंज द नेम एक्चुअली आई फॉरगॉट तो okay. Yeah, we had to write uh, the three word new words that we have learned during this whole uh, session, like whole uh, four days. So there were many as though we teach, we go to school, we attend trainings, but there were many new words that I learned and elaborative, in elaborative form. Okay. Okay. So, um, yeah when you are giving response you should tell me what you observed on the screen okay yeah uh, hina vadekar madam uh, ma'am i observed that the, the participants had responded on mentimeter and it was a graphical representation very beautiful colored uh, representation on one screen so everybody's response was there on a single screen okay good uh, Jaya, Jaya yes any madam from odisha yes ma'am uh, i saw that there is a list of uh, words which is uh, doubt for the particular people but the maximum uh, doubt of a particular word is highlighted and uh, which is uh, definitely focused more for uh, for you as well as the other one, and I think this is useful for the class uh, when we clear a doubt or ask a doubt. Uh, let's suppose one uh, student uh, will not able to speak. Okay, that uh, last answer I'm taking from Priya Dashni Rai, madam. Priya Dashni Rai, sir. Okay. Yes, yes, In fact, as far as the terms are concerned, ma'am. Uh, I knew all the terms earlier, but what I understood that is uh, the role of you no know, digital education, particularly in equitable uh, equality and quality-based education. So that's quite enhancing, ma'am, and it's quite good also. And at the same time, the way you presented it also shows us, you know, or tells us about the importance of digital, digital education. That how brilliantly all the things can be kept at one platform and can be seen by hundreds of people. So it's really wonderful, ma'am. चादा वेन वी डिस्कस अबाउट वॉट डिड यू ऑब्जर्व दोस्ट क्वेश्चन डायरेक्टली टू यू ओके सो हम अभी देखा था ये में टाइम क्या हुआ आप सभी पार्टिसिपेंट अभी तक हंड्रेड एंड एटी टू पीपल है आप अभी इधर देख सकते है पास पांच सो फाइव थर्टी फोर रेस्पॉन्स आ गया था बट हम um, क्या किया था सभी एंटर करने के वजह हम एक अच्छा वर्ड क्लाउड प्रिपेयर हो गया डेवलप हो गया कोलेटिंग ऑल द फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड एंड थर्टी फोर रेस्पॉन्स बट इधर से कुछ कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड है कुछ कुछ वर्ड्स ज्यादा छोटा है कुछ वर्ड्स ज्यादा बड़ा है आप देख सकते हैं इधर बिकॉज ये कौन सा वर्ड ज्यादा टाइम रेस्पॉन्स आ गया था वो थोड़ा बड़ा आ रहा है राइट आप अभी इधर इधर आप देखा था लाइक हम सभी एटी 183 पीपल साथ एक कंटेंट डेवलप किया राइट कोलेबरेटिवली हम सभी साथ कोलाबरेटिवली वर्किंग टुगेदर हम एक कंटेंट एक वर्ड क्लाउड क्रिएट किया था बट ये वर्ड क्लाउड अब कैसा क्रिएट हो गया डिजिटली क्रिएट हो गया राइट right? आप हम सभी एक एक जगह से बैठ रहे अलग अलग सिस्टम यूज कर रहे बट हम साथ डिजिटली एक कंटेंट प्रिपेयर किया था हम कैसा ये पॉसिबल है बिकॉज द कंटेंट इज इन द डिजिटल फॉर्म राइट ये डिजिटल फॉर्म नहीं होगा आप अप सभी आपका नोट से आंसर लिखेंगे ऐसा कंटेंट डेवलप कर सकते हैं क्या नहीं कर पा सकते राइट सो फर्स्ट थिंग वॉट आई सी टी इज फॉर इज टू क्रिएट डिजिटल इंफॉर्मेशन हम कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म से क्रिएट करने के लिए आईसीटी हेल्प कर सकते सो so, अभी हम क्रिएट किया था सो so मैं अभी दूसरा प्रोग्राम से जाने के पहले लाइक आई वॉन्टेड टू गो फॉर एन अदर ट्रेनिंग नाउ नेक्स्ट बैच विल बी देर आप so, मेरा अभी इधर से चेक कर सकते पहले भी एक टाइम में ये सेम एक्टिविटी यूज किया था सो वेन आई ओपन दैट यू कैन सी आई एम एबल टू ब्रिंग द प्रीवियस वन इधर से ओनली ट्वेंटी वन पीपल पार्टिसिपेटेड फिफ्टी वन रेस्पॉन्स है मेरा पहले पहले कंटेंट uh, भी आप में रिट्रीव कर रहे कैसा रिट्रीव कर रहे हैं बिकॉज इट है पहले ये स्टोर नहीं हुआ મે રીટ્રીવ નહી કર સકતે ابھی મેરા યે પહેલે વાલા પ્રોગ્રામ કા કન્ટેન્ટ હે અભી મેરા યહી પ્રોગ્રામ કા કન્ટેન્ટ અભી કરંટ વાલી મે લેના હે લે સકતે એસા જ્યાદા એક્ટિવિટીઝ હે આપ મલ્ટીપલ ટાઇમ્સ કન્ડાક્ટ કરકે ભી યુઝ કર સકતે કબ યે પોસિબલ હે કબ આપકા ઇન્ફોર્મેશન ડિજિટલ ફોર્મ સે હે ઓ સ્ટોર હો ગયા ધેન આપ રીટ્રીવ ભી કર સકતે સો આમ થ્રીન વર્ડ શીખતા આઇધર પહેલે एक है क्रिएटिंग द डिजिटल इंफॉर्मेशन अब कब डिजिटल इंफॉर्मेशन क्रिएट कब इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म से क्रिएट कर रहे इट विल बी पॉसिबल फॉर स्टोरिंग द डिजिटल इंफॉर्मेशन आप कब स्टोर किया था आपका पॉसिबिलिटी है रिट्रीव भी कर सकते राइट right? रिट्रीव करने के बाद में कुछ मॉडिफाई करना है अभी हंड्रेड एंड एटी थ्री पीपल का रिस्पॉन्स है एक दो और पर्सन रेस्पॉन्ड कर देंगे ये चेंज होगा नहीं होगा कंपलसरी चेंज होगा लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू राइट अ रेस्पॉन्स नाउ मैं अभी ये सबमिट करने के वजह अभी क्या हुआ आई एम एबल टू मॉडिफाई इट 183 का रेस्पॉन्स 184 हो गया अभी पूरा वर्ड क्लाउड भी चेंज हो गया था सो वेन एवर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म डिजिटल फॉर्म से कब कब आपका कंटेंट शो स्टोर्ड है आपका मैनिपुलेशन पॉसिबल है मैनिपुलेशन क्या होता है आपका रिमूव कर सकते एडिट कर सकते हैं ऐड कर सकते क्रॉप कर सकते डुप्लीकेट कर सकते एनलाज कर सकते ये पूरा मैनिपुलेशन है ओरिजिनल नहीं है कुछ कुछ आप चीज ऐड कर दिया अभी इधर से भी हम क्या कर सकते मैनुपलेट कर सकते ये डिजिटल इंफॉर्मेशन है सो so मैं अभी मेरा इमेज चाहिए मुझे ये वर्ड क्लाउड इमेज चाहिए मैं कुछ बुक का ये कवरिंग कवर पेज रखना पड़ेगा सो so सिंपली मैं प्रिंट स्क्रीन करके मैं क्या कर सकते ये स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और कुछ स्निपिंग टूल ऐसा यूज करके मेरा ये ओनली इमेज चाहिए मेरा बुक से ऐड करने के लिए और मेरा अभी एस आर जी रिपोर्ट से ऐड करने के लिए ऐसा चाहिए सो सिंपली वॉट आई कैन डू आई कैन ओपन दिस मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन किया मेरा रिपोर्ट के लिए इधर से मैं सिंपली ऐसा फेस कर सकते हैं इधर से मैं लिख सकते हैं ऐसा 183 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेटेड एंड क्रिएटेड ये वर्ड क्लाउड क्रिएट किया ऐसा मैं रिपोर्ट भी लिख सकते हैं राइट सो वेन एवर आपका इंफॉर्मेशन इज इन द डिजिटल फॉर्म आप स्टोर कर सकते पहले फर्स्ट इफ इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड इन डिजिटल फॉर्म आप स्टोर कर सकते आप रिट्रीव भी कर सकते आप मैनुपलेट भी कर सकते मैं क्या कर सकते दो दू, दूसरा ये मैं सेंड भी कर सकते रिसीव भी कर सकते इन द डिजिटल फॉर्म अभी मैं स्क्रीनशॉट ले लिया एक इमेज आपका सभी का ये भेजना है सिंपल चीज है मैं इधर से जाके मैं क्या करेंगे ये इमेज सेव करने के बाद ही हम भेज सकते राइट सो so, अभी मैं आ, करेंगे देदो. अभी सभी का यू वॉन्ट टू हैव दिस यू हैव डन मैं क्या करेंगे इधर से आपका इधर अटैच कर सकते राइट वी कैन अटैच में इधर डॉक्यूमेंट अटैच करके आपका वर्ड क्लाउड अभी सभी का मैं भेज दिया आपका चैट बॉक्स ही सभी का मिला चैट बॉक्स से आपका वर्ड क्लाउड मिला ऑलरेडी अभी आप ये रेस्पॉन्ड करना है कैसा है ये वर्ड क्लाउड रेस्पॉन्स दे दो चैट बॉक्स से राइट योर रेस्पॉन्स इन बॉक्स आप कुछ कुछ पर्सन रेस्पॉन्स अभी दिया था थाना मैडम हैज ऑलरेडी शोन अप कुछ पर्सन लाइक like डाल दिया कुछ पर्सन इधर से आप देख सकते हैं इधर भी लाइक like डाल रहे कुछ पर्सन वर्ड से लिख रहे ये पूरा क्या है आपका रेस्पॉन्स मेरा पास आ रहा है राइट मैं आपका सेंड किया था आपका रेस्पॉन्स मेरा अभी रिसीव कर रहे कैसा रिसीव कर रहे है फॉर्म से आइकन से आप आइकन भी देख सकते है अलग अलग आइकन है हम एक कंसोलिडेट करके बोल सकते है अभी ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग हम आईसीटी यूज किया क्या आईसी यूज किया फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों कनेक्टेड है जूम का थ्रू राइट एक जूम सॉफ्टवेयर है सभी एक्सेस करने के लिए कुछ डिवाइस चाहिए अब जूब कैसा एक्सेस कर रहे हैं आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं और लैपटॉप यूज कर रहे हैं और टैब यूज कर रहे हैं और मोबाइल यूज कर रहे हैं कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं so, सो एक हार्डवेयर है सभी का पास दूसरा एक सॉफ्टवेयर है जूम हम दोनों कनेक्ट कर दिया मैं कैसा ये डिजिटल इंफॉर्मेशन कैसा क्रिएट किया हम सभी मेंटीमीटर यूज करके ये डिजिटल इंफॉर्मेशन क्रिएट किया सो so, मेंटीमीटर भी एक सॉफ्टवेयर है ये ये इमेज लेने के लिए मैं स्निपिंग टूल यूज किया था सो स्टिपिंग टूल भी एक सॉफ्टवेयर है अभी मैं क्या किया एक प्रोसेस फॉ कर दिया मैं आपका सेंड किया था जूम चैट बॉक्स का थ्रू आप मेरा रेस्पॉन्ड दिया जूम चैट बॉक्स का थ्रू सो so, अभी हम बोलने इफ आई टेल दैट मैं आईसीटी यूज किया देन क्या है आईसीटी इधर एक हार्डवेयर कितना सॉफ्टवेयर है जूम है मैंटीमीटर है स्निपिंग स्टूल है ये सभी साथ ओनली आई कैन टेल दैट इट इज आईसीटी सो एज पर एज पर द दूनेस्कोस डेफिनेशन आईसीटी मीन्स वॉट आईसीटी रेफर्स टू क्रिएटिंग स्टोरिंग रिट्रीविंग मैनिपुलेटिंग सेंडिंग रिसीविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन एनी सॉफ्टवेयर एनी हार्डवेयर और एनी प्रोसेस कुछ भी हूं और एक दो तीन चीज साथ यूज करके इफ यू आर एबल टू डू ऑल दिक्स देन यू कैन से दैट आई एम यूजिंग आईसी टी राइट इतना तक कुछ भी एनी क्वेश्चन टिल योर एनी क्वेश्चन सतीशर यू हैव अ क्वेश्चन और यू हैव जस्ट रेस्ड एंड प्रीवियसली

करंट टॉपिक्स topic तो पढ़ा क्या है मैं, मैं बता रहा हूँ मैडम करंट टॉपिक्स तो है पेडागोगी जो अभी आपकी टाइम है जो पेडागोगी एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जो है इस पर ये डिस्कस कर दी है और देन आपका जो है वो तो लास्ट टाइम में भी जितनी मान आफ्टर फोर डेज आई हैव कंप्लीटेड दिस ट्रेनिंग तो उसकी आफ्टर जो है यानी पूरी सेशन जब खत्म एंड के टाइम में उसकी पूरी हम लोग की जो पूरी फीडबैक है पूरी असाइनमेंट होती है उसको आप पूरा ले सकते हैं लेकिन अभी स्टार्टिंग करनी है पड़ागोगी लेकिन आप स्टार्टिंग कर दी है, पूरा बैकिंग वाली पूरी एनिमेशन एनिमेशन डिजाइन और जितनी सारी जो मेन जो एप्स है सारी बैकिंग अभी स्टार्टिंग कर दी मैडम तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम जो टॉपिक्स है दैट विल बी यही प्रॉब्लम है सभी टीचर्स का आपका टूल सीखने के वजह आप सभी फील कर रहे हैं हम इ कंटेंट डेवलप कर सकते गलत है एक्चुअली हम ये इ कंटेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग लास्ट टेन ईयर्स ट्रेनिंग दे रहे हमारा लास्ट ऑब्जर्वेशन है सभी टूल्स इजीली सीखेंगे बट आपका इंटीग्रेशन पता सही सा, सा, से नहीं कर सकते ये जरूरी सेशन है आपका समझ आना चाहिए आप इतना टूल सीखने के बाद कैसा ई कंटेंट डेवलप कर देंगे आपका प्रोसेस पता है टूल यूज करने के लिए टूल यूज करने के लिए डेवलप करने के लिए बट वेन यू वॉन्ट टू डेवलप ई कंटेंट टूल इज नॉट द कोर आप सभी टीचर्स है पेडागॉग है कंटेंट वाली है आप टेक्नो पीपल नहीं है टेक्नोलॉजी आपका एडिशनल स्किल है एक्चुअली पूरा टीचर्स ये और सॉफ्टवेयर सीखने के बाद ये एक, एक चीज फॉरगेट कर रहे मैं टीचर हूं वही वजह हम इफेक्टिवली ई कंटेंट नहीं बना पा रहे सभी स्टेट स्ट्रगल कर रहे दैट इज वाई दिस ट्रेनिंग इज द फिफ्थ डे बिकॉज आपका सभी का समझ होना चाहिए आप क्या कर रहे चार दिन टूल सीखा था सो so, ये टूल सीखे क्या करना है क्या एक्सपेक्टेशन है आप ऑफ स्कूल जाने के बाद टूल यूज नहीं करते हैं आप साइंस टीचर है साइंस पढ़ा टीच कर देंगे मैथ्स टीचर है मैथ्स टीच कर देंगे टूल सीखेंगे नहीं यू विल नॉट टीच एनी बडी द टूल ठीक है अभी क्या करना है वही हम ये सेशन से डिस्कस कर रहे हैं ठीक है ये जरूरी सेशन है वो पूरा सेशन आप अंडरस्टैंड करना है ये पूरा आप ई कंटेंट डेवलप करने के टाइम अप्लाई करना है मैं ऐसा बात करके प्रेजेंटेशन करके जा सकते मेरा टाइटल है टेक्नो पेडागोजी इंटरग्रेशन इफ मैं इंटरग्रेट नहीं कर रहे इफ आई डोंट इंटरग्रेट मैं सेशन लेने के लिए जरूरी क्या है अभी मैं क्या किया आपका चार दिन आपका क्या पता है मुझे पहले पता होना चाहिए हमारा लेसन फर्स्ट शुरू करने के टाइम हमारा क्लास से क्या फर्स्ट टेस्ट कर देंगे प्रीवियस नॉलेज क्या है हम कर देंगे ना लेसन प्लान लिखने के टाइम भी फर्स्ट पार्ट क्या है कौन सा कौन आपका स्टूडेंट है कौन एड्रेस कर रहे है यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर प्रीवियस नॉलेज सो मेरा सेशन शुरू करने के पहले मेरा प्रीवियस नॉलेज पता होना चाहिए सो दैट मैं एग्जाम्पल भी रिपीट नहीं करना चाहिए अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम होता है राइट सो ज्यादा रिसोर्स पर्सन ऑलरेडी आपका एड्रेस कर दिया क्या क्या सॉफ्टवेयर बोला मुझे पता नहीं सो so, बट अभी मेरा पता हो गया कितना सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपका लिसन ऑलरेडी यू नो सो अभी मैं वो रिपीट नहीं करते हैं सो दिस इज पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग सेशन में वो करने के लिए क्या किया सीधा मैं पूछ सकते आप क्या क्या लर्न किया ओरली बता दो बट मैं पहले एक क्वेश्चन पूछा था प्रोग्राम शुरू करने के पहले आपका चार दिन से आपका ऑब्जर्वेशन क्या है हार्डली टेन पीपल रेस्ट योर हैंड अभी कितना परसेंट रेस्पॉन्स किया था 80 परसेंटेज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अभी पार्टिसिपेट किया पहले कितना परसेंट पार्टिसिपेट किया 10 परसेंट ही हैंड रेस किया आपका क्लासरूम से टेक्नोलॉजी क्यों यूज करना क्यों इंटरग्रेट करना है एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारा क्लास है एनकेजमेंट अभी हमारा चालीस स्टूडेंट है एक एक स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन हम नहीं कर पा रहे क्यों हमारा पास टाइम नहीं है सिलेबस कंप्लीट करना है राइट right? सो so, अभी ऐसा टेक्नोलॉजी आप इंटरग्रेट करते हैं आपका क्लासरूम से सभी स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन एनकेजमेंट आपका मिल सकता है बेनिफिट मैं बेनिफिट सीधा बोलेंगे आपका समझ नहीं आता है अभी आप सभी पार्टिसिपेट किया था राइट मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन ट्रेनिंग हाफ ऑफ पीपल विल कीप जूम ऑन दूसरा काम करते हैं अभी भी इधर से कितना पर्सन सीरियसली ट्रेनिंग अटेंड कर रहे क्वेश्चन मार्क अभी भी टू हंड्रेड एंड सेवेंटी वन पार्टिसिपेंट है हंड्रेड एंड थ्री पीपल पार्टिसिपेट किया सो हंड्रेड पीपल क्या कर रहे प्रोग्राम अटेंड कर रहे और दूसरा काम कर रहे आपका स्टेज डिप्यूट करने के टाइम पूरा टाइम आपका फ्री नहीं किया आप पैरलली क्लास भी लेते ऑफिस का काम भी लेते कुछ कुछ पर्सन प्रिंसिपल्स है वो आप बैठ के पूरा पीछे पीछे आपको ऑफिस वर्क भी कर रहे इतना परेशान करके आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हम भी पता है बट आपका क्लासरूम से भी ऐसा होगा आपका स्टूडेंट्स है डेडिकेटेडली एट आवर्स क्लासरूम का अंदर आ रहे बट हंड्रेड परसेंटेज वो आपका क्लासरूम अटेंड कर रहे नहीं अटेंड कर सभी का सभी एक्सपीरियंस टीचर्स है आपका सभी का पता है आउट ऑफ योर फोर्टी चिल्ड्रेन हाफ ऑफ द पीपल विल बी लॉस्ट कुछ ना कुछ फैमिली बैकग्राउंड से प्रॉब्लम होगा पर्सनल प्रॉब्लम्स होगा कुछ सब्जेक्ट से इंटरेस्ट नहीं है आर द चिल्ड्रेन ओनली विल अटेंड टू योर क्लास आर फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एबसेंट होता है राइट इधर से हंड्रेड एंड सेवन टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर पीपल वर्चुअली प्रेसेंट रियली एबसेंट कितना है काउंटेबल नहीं है बट क्लास से ऐसा चीज सिनारियोस आते हैं वो सिनेरियो कैसा हैंडल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करके हम मिनिमाइज कर सकते हैं रोल आउट नहीं कर सकते पूरा समटाइम टाइम 100% एज रोल आउट नहीं कर पा सकते बट हम क्या कर सकते मिनिमाइज कर सकते मुझे ये एक्टिविटी करने के वजह अभी एटलीस्ट 183 पीपल लाइव है सेशन से अटेंड कर रहे इतना मुझे पता है मैं कुछ एक्टिविटी नहीं किया क्या हो, होगा में आई कैन सी ओनली हार्डली सेवन पीपल केप्ट वीडियो ऑन ये सेवन पीपल के लिए मैं सेशन ले रहे अदर्स क्या कर रहे पता भी नहीं है राइट right? हम डिमांड नहीं कर सकते आप सभी वीडियो ऑन करो ऐसा डिमांड नहीं कर सकते बिकॉज आपका इंटरनेट एक दिन का पूरा वर्क करना पड़ेगा फैसिलिटीज का प्रॉब्लम है सो हम डिमांड नहीं कर रहे बट हम दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा कैसा एनकेज करना है शन है आप टेक्नोलॉजी आपका क्लास रूम से पेडेगोजी का साथ कंटेन का साथ कैसा इंटरग्रेट करना अलग नहीं देना है अलग देखते कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा ठीक है हम आगे जाते सभी इधर से देखा था आईसीटी क्या है सो हम सभी अभी वी ऑल है ऐसा सेशन आगे जाने के टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैसा टेक्नोलॉजी पेडागोजी इंटेग्रेशन करना है सो so, सभी का समझ आना है टेक्नोलॉजी क्या है हम टर्म्स यूज कर रहे हैं आईसीटी टेक्नोलॉजी डिजिटल ये तीनों सेम है और अलग अलग है राइट सो थोड़ा हमारा सभी का क्लैरिटी होना चाहिए व्हेन वी यूज दिस पर्टिकुलर टाइटल्स सो एक चीज है टेक्नोलॉजी ये ज्यादा बड़ा है

आईसीटी uh, का क्या डिफरेंस है इज देयर आर डिफरेंस और दोनों सेम है हम एक्चुअली एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक टर्म टर्म सभी का पता है बी एड से सी का एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्यादा बड़ा टर्मिनोलॉजी है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अंदर हम फिल्म स्ट्रिप्स ब्लैक बोर्ड ये सभी एजुकेशन पपेट मेट ऑल आर एजुकेशन टेक्नोलॉजी बट आईसी भी एक चीज एजुकेशन टेक्नोलॉजी का अंडर आईसीटी भी एक Uh, एक रास् एक तरीका है हाउ यू से पपट आई सी टी इज ऑल्सो वन ऑफ द एजुकेशन टेक्नोलॉजी बट आईसी क्या है कुछ भी आप डिजिटल इंफॉर्मेशन यूज करके कर देंगे देन ओनली इट कैन बी एज पर डेफिनेशन ऑफ इनरेस्ट को कुछ भी इंफॉर्मेशन आप डिजिटली क्रिएट किया स्टोर किया रिट्रीव किया मैनिपुलेट किया सेंड एंड रिसीव किया देन वो आप आईसीटी बोल सकते कुछ कुछ ये सिक्स नहीं किया देन आप डिजिटल टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल आप सभी का साथ टेक्स बुक्स है राइट right? कुछ कुछ टीचर्स बोलते हैं मैं आईसीटी कभी भी यूज नहीं, नहीं किया मैडम मेरा पता नहीं आईसीटी क्या है मुझे पता नहीं बट आप सभी का साथ से फिजिकल टेक्स्ट बुक है स्कूल का टेक्स्ट बुक्स है आप अभी टेक्स्ट बुक ओपन करने के बाद फर्स्ट पेज से क्या देख रहे हैं अभी एक क्यूआर कोड देख रहे हैं एवरी वन इज सी क्यू आर कोड आप क्यू आर कोड स्कैन करने के टाइम आपका क्या मिल रहा है डिजिटल कंटेंट मिलता है ठीक है ऑलमोस्ट सभी टीचर्स अभी ये यूज कर रहे वॉट आर यू रियली डूइंग आप आईसीटी यूज कर सो विदाउट नोइंग आपका पहले टर्मिनोलॉजी में भी पता नहीं है कुछ अंडरस्टैंडिंग कम हो सकता है बट अभी सभी टीचर्स नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन टीचर्स ICT यूज़ कर रहे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव डन निष्ठा कोर्स ऑन द दीक्षा प्लेटफॉर्म कितना परसेंट एक ग्रुप से निष्ठा नहीं किया कुछ भी निष्ठा कोर्स में नहीं किया मैम ऐसा कुछ आदमी है इधर एनीबॉडी ही देयर एटलीस्ट सभी एक कोर्स निष्ठा कर दिया इफ यू हैव डन अ निष्ठा कोर्स आप आईसीटी यूज करें So, पहले हमारा अंदर एक फील है ना मैं आईसीटी वाली नहीं है वो रिमूव करना है सो दैट यू विल बी एबल टू यूज टेक्नोलॉजी इन योर क्लासरूम वो पहला फर्स्ट चीज है सेकेंड हम क्यों आईसीटी यूज करना है क्लासरूम से ज्यादा पर्सन का फील करते हैं मैडम मेरा अच्छा पर्सन आई कैन टीच बेटर आईसीटी का अलावा मैं अच्छा स्टोरी टेल कर सकते हैं मैं अच्छा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं सो देर आर मेनी पीपल हु फील दैट आई कैन यूज आई कैन टीच बेटर विदाउट आउट आई सी टी बट कुछ ना कुछ हमारा पास चैलेंजेस है वो मैं एक चैलेंज बता दिया एनकेजमेंट आर वी एबल टू एनकेज एवरी चाइल्ड इन आवर क्लासरूम कितना भी एक्सपीरियंस पर्सन है कुछ क्लास ग्रुप एक्टिविटी करने के टाइम कर सकते बट हम टीच करने के टाइम आर वी एबल टू सकतेज एवरी चाइल्ड विद आवर कंटेंट वी आर टीचिंग वो कुछ ना कुछ उधर इधर हमारा चैलेंजेस आ रहा वो चैलेंजेस आने के टाइम हम टेक्नोलॉजी यूज करना है डिजिटल टेक्नोलॉजी विच कैन सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट हमारा टीचिंग अच्छा जाने के लिए वही वजह ये सेशन जरूरी है हम ई कंटेंट बनाने का एक तरीका लर्न किया ई कंटेंट बना के वो क्लासरूम से यूज करना है ना अच्छा से ठीक से अप्रोप्रियटली यूज नहीं करते हैं। वो इम्पेक्ट नहीं होगा अच्छा डेवलप करने का कंटेंट भी क्लासरूम से यूजलेस हो सकता है हम ये एक्सपेरिमेंट किया था मैं कुछ एक्सपीरियंसेस बोलते हैं सो so दैट हमारा रिलेवेंट चीज अंडरस्टैंड करने के लिए एन uh, इतना अच्छा सिमुलेशन uh, कंटेंट पहले बना दिया था सो so, एक कंटेंट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऊपर आप सभी का भी सिमुलेशन क्या है पता है ऑलरेडी एवरी वन नो सिमुलेशन राइट बिकॉज आई थिंक इंदू मैम ऐसा ऑलरेडी एक सेशन ले लिया था उधर से सिमुलेशन क्या है पता बोल द, बोल दिया सो so, अभी एक सिमुलेशन बना दिया कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट फूड कैसा डाइजेशन होता है ये पूरा एक सिमुलेशन बना के रखा था सो so आप क्लिक कर देंगे खाना ऐसा हाथ से उठा के माउथ से रखेंगे देन देन आप प्रेस कर देंगे then से आपका इंटेस्टाइन तक जाते हैं so सो एक एक प्रोसेस ऐसा होगा वो सिमुलेशन से दूसरा हम एनिमेशन प्रिपेयर किया था पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैसा प्लांट क्या क्या पार्ट है वो फंक्शंस क्या है ये दोनों सिमुलेशन है आप सिमुलेशन देखेंगे वो ज्यादा अच्छा क्वालिटी है कंटेंट ठीक है आपके और इवेलुएट करने के बाद हंड्रेड परसेंटेज मार्क मिला दोनों कंटेंट के लिए ठीक है सो अभी क्लासरूम लेके हम यूज किया दो क्लासरूम सेलेक्ट किया इन आवर डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल है मैसूर से हमारा एनसीआर का स्कूल है उधर से ले लिया दोनों क्लासेस uh, से एक क्लास का फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम सिमुलेशन यूज करके टीच किया दूसरा क्लास से डाइजेस्टिव uh, सिस्टम का मॉडल यूज करके टीच किया देन हम टेस्ट भी कंडक्ट कर दिया कौन सा क्लास यानी सिमुलेशन यूज किया वो क्लास अच्छा परफॉर्म किया था सो so हम जनरलाइज uh, किया आईसीटी यूज करने के टाइम अच्छा अचीवमेंट अच्छा मिलते हैं देन नेक्स्ट क्लास हुआ पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड फंक्शंस ऑफ द प्लांट्स वो एक क्लास के लिए सिमुलेशन दिया एक क्लास के लिए प्लांट पूरा लेके आ गया था क्लास से पार्ट शो किया फील किया टेक्सचर, टच किया वो पूरा हम ऐसा प्रैक्टिकली क्लास ले लिया एट द एंड ऑफ द असेसमेंट क्लासरूम विच इज यूज सिमुलेशन कम मार्क ले लिया पहले कौन सा क्लास ले लिया ज्यादा सिमुलेशन यूज करने का क्लास ज्यादा मार्क मिला बट अभी ये टॉपिक पार्ट ऑफ द प्लान टॉपिक से सिमुलेशन यूज करने के क्लास लेस मार्क ले लिया सो आईसीटी इन इफेक्टिव था सो हमारा कंक्लूशन क्या हो गया एनालाइज करने के टाइम आईसीटी डिफरेंस मेक करते आईसीटी विल बी इफेक्टिव ओनली इफ इट इज अप्रोप्रिएट टू द कंटेंट आपका कंटेंट के लिए आईसीटी जरूरी है देन इंपैक्ट होता है अदरवाइज नहीं होगा सो आप टेक्नोलॉजी पेटेगॉगी इंटरग्रेशन करने के टाइम द वेरी फर्स्ट थिंग वेन वी से हाउ द वेरी फर्स्ट थिंग आप एनालाइज करना पड़ेगा कंटेंट मेरा पर्पस डिसाइड मेरा चाहिए आईसीटी चाहिए नहीं चाहिए कैसा डिसाइड करते हैं कंटेंट का ऊपर फर्स्ट चीज है कंटेंट का ऊपर हम डिसाइड करना पड़ेगा वेदर टेक्नोलॉजी इज रिक्वायर्ड और नॉट For example, मैं फॉर एग्जाम्पल में बोलना है सभी स्टूडेंट्स का न्यू डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एक लाइन बोलने के लिए आईसीटी चाहिए नहीं चाहिए प्रेजेंटेशन बनना है वीडियो बनना है ई कंटेंट डेवलप करना है जरूरी है नहीं जरूरी है मैं कब कब इन बिटवीन थोड़ा पीपीटी स्टॉप कर रहे हैं आपका फेस शो करने के लिए मैं शिफ्ट कर रहा हे ठीक है यस, नी पीपल से यस मेरा एक ही लाइन बोलना पड़ेगा न्यू डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया ये बोलने के लिए हमारा क्लास से आई टेक्नोलॉजी कंटेंट जरूरी नहीं है कब जरूरी होगा सभी यस यस बोला था मे भी मेरा क्लास से चालीस परसेंट है अभी फर्स्ट टाइम न्यू डेली वर्ड सुना रहे है. दे don't नो द स्पेलिंग सो मुझे बोर्ड से लिखे शो करना है बट बोर्ड से लिखने के टाइम मेरा चालीस स्टूडेंट है और सिक्सटी स्टूडेंट है मेरा क्लास से सभी का देख नहीं सकते थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा सो so, rather देन राइटिंग ऑन द बोर्ड में एक स्लाइड से शो कर सकते so अभी क्यों आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे कंटेंट के लिए नहीं चाहिए बट मेरा लर्नर का जरूरी है मेरा क्लास इतना बड़ा है सभी का देख नहीं सकते वही वजह में टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सेशन लिसन किया था राइट यू हैव लिसन टू इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए डिजिटल कंटेंट कैसा बनना चाहिए ऐसा साइन लैंग्वेज का कंटेंट कब चाहिए आपका ओनली आपका क्लासरूम से कुछ लर्नर्स है लिसन कर नहीं सकते देन साइन लैंग्वेज का कंटेंट चाहिए कुछ आपका क्लासरूम से कुछ स्टूडेंट है देख नहीं सकते देन आपका कुछ विजुअलाइजेशन के लिए कुछ ऑडियो कंटेंट चाहिए आपका क्लासरूम से सिक्सटी स्टूडेंट्स है सिक्सटी स्टूडेंट्स का ये टॉपिक थोड़ा आप टॉपिक टीच किया था वो टॉपिक समझ नहीं आया देन दूसरा टाइम बोलने के लिए आपका टेक्नोलॉजी चाहिए सो so, हम डिसाइड करने के टाइम परपस क्या है आप क्यों टेक्नोलॉजी यूज करना है कंटेंट डिमांड करना है और लर्नर का साइकोलॉजिकल कॉग्नेटिव और फिजिकल ये तीनों से एनी एस्पेक्ट से लर्नर का जरूरी डिमांड करना है और कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए हमारा कंट्री से कॉन्टेक्स्ट ऐसा ही है सभी स्टूडेंट्स का साथ कुछ कुछ स्टूडेंट का साथ सभी डिजिटल डिवाइस है 4G कनेक्शन भी है कुछ पीपल का साथ स्मार्टफोन ही है 4G कनेक्शन का साथ कुछ स्टूडेंट का साथ स्मार्टफोन है बट लिमिटेड कनेक्शन है कुछ स्टूडेंट का साथ स्मार्टफोन ही नहीं है बेसिक फोन है और कुछ स्टूडेंट फोन ही नहीं है टेलीविजन है और नो no रेडियो कुछ स्टूडेंट का साथ कुछ भी नहीं हमारा ऐसा सिटुएशन है हम देखना पड़ेगा मेरा कॉन्टेक्ट क्या है मेरा स्टूडेंट का पास ये है देन में डिजिटल कंटेंट बनना है आप ज्यादा डिजिटल रियालिटी कंटेंट भी वर्चुअल रियालिटी कंटेंट आप क्लासरूम से यूज करने के लिए क्या चाहिए मिनिमम एक ऑकुलस चाहिए आपका कुछ हार्डवेयर चाहिए आपका क्लास से हार्डवेयर नहीं है आप वी आर कंटेंट इंट्रेट कर सकते सो so, आप ई e कंटेंट चूज करने के लिए कौन सा ये कंटेंट मेरा क्लासरूम से मैं यूज करेंगे वो चूज करने के लिए आप फर्स्ट लेने के लिए क्या क्या एनालाइज करना है मेरा कंटेंट का ये कंटेंट डिजिटल कंटेंट चाहिए मेरा लर्नर का रीच करने के लिए कुछ चाहिए और मेरा कॉन्टेक्स्ट कुछ चाहिए देन ओनली वी विल डिसाइड टू यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी अभी मेरा ये सेशन है सेशन से मेरा लर्नर कौन है सभी टीचर्स प्रिंसिपल्स है बट सभी ऑनलाइन से है राइट मेरा पेडेगोजी सेम हो सकता है क्लासरूम नॉर्मली फेस टू फेस ट्रेनिंग कैसा में लेते यूज द सेम पेडेगोजी नाउ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पेडागोजी अप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज आप सभी अडल्टो में एंट्रोगी का प्रिंसिपल्स यूज करना पड़ेगा राइट चिल्ड्रन का हम बोल सकते इधर लिसन करो मैं आपका पास बोलते हैं। आप स्विच ऑफ करके बाहर जाते यू आर ऑल अडल्ट ग्रोन अप सो मैं अडल्ट कैसा सीखेंगे वो मैं फॉलो करना पड़ेगा राइट सेकेंड चीज है आप सभी मेरा अभी कॉन्टेक्ट क्या है आप फेस टू फेस से नहीं है आप सभी ऑनलाइन से है ऑनलाइन से दस मिनट का ऊपर आपका अटेंशन नहीं होगा ट्रूड प्रिंसिपल है सेवन टू टेन मिनिट्स इज द अटेंशन स्पैन इन ऑनलाइन So, मैं आपका अटेंशन कैसा रखना पड़ेगा मेरा एंड हाफ आवर से कुछ ना कुछ एक्टिविटी देना इन बिटवीन कुछ कुछ ना क्वेश्चन पूछना है ये पूरा पेडागोजिकल है मैं टेक्नोलॉजी यूज करने के टाइम टेक्नोलॉजी अलोन जरूरी नहीं है पेडागोजी भी डिसाइड करना अभी ऑनलाइन से मेरा पार्टिसिपेंट्स है कौन सा पेडागोजी अप्लीकेबल होगा मैं सभी का ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते अभी बोल देंगे आप 100 200 पीपल माइक ओपन करके बात करेंगे कैसा होगा हैंडल नहीं कर पा सकते राइट इज वाई हम क्या किया टेक्नोलॉजी यूज करें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ डिसाइड कर दिया आपका वर्चुअल हैंड रेस करो क्वेश्चन है चैट बॉक्स से लिखो राइट right? ये भी पेडागोजिकल डिसन है आपका टेक्नोलॉजी क्लासरूम से यूज करने के टाइम हम डिसाइड करना है ये तीनों का ऊपर मेरा पर्पज फर्स्ट थिंग डू आई नीड डिजिटल टेक्नोलॉजी इन माई क्लासरूम जरूरी नहीं है सभी का डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए आपका कंटेंट डिमांड करते हैं यूज करो लर्नर डिमांड करते हैं यूज करो कॉन्टेक्ट डिमांड करते हैं यूज करो कुछ भी डिमांड नहीं करते नहीं यूज करो राइट right? सो so ये हमारा फर्स्ट स्टेप आईडी ऑलरेडी सभी सीखा था सेम आम क्लासरूम पेडेगोजी इंटरग्रेशन के लिए कैसा यूज करना है वही हम डिस्कस कर रहे आज डिजिटल टेक्नोलॉजी चाहे नहीं चाहे कर दिया, मुझे चाहे। कैसा प्लान कर देंगे आप क्लासरूम से करने के टाइम कैसा प्लान कर देंगे सभी बी किया था सभी बी से सीखा था हम क्लासरूम जाने के पहले लेसन प्लान लिखना है सभी का पता है लेसन प्लान राइट लेसन प्लान से हम क्या क्या लिखेंगे चैट बॉक्स से लिख सकते क्या क्या लिखेंगे आप लेसन प्लान से फाइवी लेसन प्लान हो सकता है स्टेप बाय स्टेप कैसा हो के ऑब्जेक्टिव लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट वेरी गुड लर्निंग आउटकम्स Outcomes, अभी लिख रहे ठीक है ओनली ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम सभी यही लिख रहे हैं एक ही पॉइंट आ रहे हैं सभी वॉट ऑल यू विल राइट यू हैव टू नॉट राइट ओनली वन क्या क्या लिखेंगे टीचिंग पॉइंट वेरी गुड इन विच मेथड यू विल टीच वेरी गुड हाउ विल यू मेक द क्लासरूम टू सिट फॉर योर एक्टिविटी वेरी गुड क्या डायवर्सिटी है क्लासरूम से ब्लैक बोर्ड से क्या लिखना है टीचिंग रिसोर्स वी आर ऑल वेरी वेल इक्विप्ड विद भी का ये पता है कुछ भी क्लासरूम से करना है मैं प्लान करना पड़ेगा राइट right? सो so, हम डिजाइन कर देंगे डिजाइन का मेन चीज है आपका लेसन प्लानिंग सो टेक्नोलॉजी यूज करने के टाइम से भी आप आपका प्लानिंग करना चाहिए वो तो, हम लेसन प्लान नहीं बोलते हैं हम सेशन प्लानिंग बोलते ठीक है when टेक्नोलॉजी is integrated हम क्या बोलेंगे सेशन प्लानिंग हमारा मेरा पूरा सेशन से क्या-क्या करेंगे सो लेसन प्लान ऐसा हम यूजुअली टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करतेंगे लेसन सेशन प्लानिंग बता देंगे आप सेशन प्लानिंग करने के टाइम क्या-क्या ध्यान रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका मीडियम एंड मीडिया क्या है अभी मेरा क्लास है मीडियम क्या है ऑनलाइन है आपका मीडियम क्या होगा फेस टू फेस होगा राइट right? कुछ टाइम से ऑनलाइन भी हो सकता है सो so, आपका सेशन प्लान अब डिस्कस कर, पहले डिसाइड करना मेरा मीडियम क्या है कुछ सेशन ऐसा होगा थोड़ा टाइम ऑनलाइन से थोड़ा टाइम फेस टू फेस है देन इट इज इन अ ब्लेंडेड। सो आपका पहले मीडियम डिसाइड करना है मेरा मेरा क्लास पूरा ऑनलाइन है पूरा ऑफलाइन है और इधर ब्लेंडेड अप्रोच से है कुछ सेशंस ऐसा होगा टीचर क्लासरूम से बात करेंगे देन प्रैक्टिकल लैब से होता है वो भी मीडियम है ये पूरा डिसाइड करना है मीडियम का ऊपर ही हम मीडिया डिसाइड कर सकते हैं कौन सा मीडियम है देन हम मीडियम यूज कर सकते अभी आप देख सकते मेरा प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल प्रेजेंटेशन तरीका नहीं है डिड यू ऑब्जर्व पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है मेरा कुछ डिफरेंट शो कर रहा है व्हाट इज दैट यू आर एबल टू सी can you raise your hand and tell can you raise your virtual hand yes hina madam uh ma'am i can see uh, the same window on the ppt that we are seeing like i never saw this before uh, that it can be made as a ppt also presentation like i'm not using i'm not using ppt i'm using something else right आपका पीपीटी यू हैव ऑल सीन सभी देखा था पीपीटी यूज करने के टाइम कैसा स्क्रीन था बट अभी मेरा स्क्रीन से क्या डिफरेंस है मीनू मैम गुड मॉर्निंग मैम मैम यू आर यूजिंग प्रेजी कॉम इन विच वी वॉट इज वॉट इज द डिफरेंस यू सी मैम इन विच इफ वी क्लिक ऑन एनी पॉइंट वी कैन गेट डिटेल यू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एज यू आर डूइंग वी हैव सीन यर

First of okay. all, uh, for the uh, facilitation, you have just uh, asked uh, the questioners and taken the responses through Mentimeter. Okay, let and us be still. Let me slide. put my question still focused. May I be? a presentation, as I use karrei, right. Yes. Analyze. Uh, I'll I'll go to the next person, Rosie, ma'am. What is the difference you are seeing from this presentation and PowerPoint presentation, uh, ma'am? Uh, it is different from PowerPoint, like uh, uh, please, can you share that uh, screen of yours again? We are seeing that. Uh, yeah. Thank you, ma'am. Uh, ma'am, uh, firstly, in PPTs, uh, we have to use a uh, link highlighted, uh, sorry, hyperlink in blue color. We have to add there. But here, when you click on the content, you will be directed to the page or any okay. relevant information you must have either written here or have linked it to the other uh linked it to the other webpage okay okay pushpa ma'am um ma'am actually this method of teaching which you're doing is is an interactive mode in which okay. you are also are speaking and we are also answering so there is a participation no, from. actually i the think others. the question is misunderstood i'm not asking about the whole uh, session okay i'm very specific Mera question hai. May

हेलो आई ऑडिबल या मैंने देखा कि जो नॉर्मल पावर प्वाइंट होती है उसमें स्लाइड बाय स्लाइड मूव करते हैं बट हेयर इट इज नॉन लीनियर कुछ भी लीनियर नहीं चल रहा कहीं से भी हम क्लिक कर रहे हैं मतलब ऐसा फील आ रहा है व्यू में हम थैंक यू मैम ठीक है थैंक यू ललित स आ, सर मैम एक तो इसमें इंट्रैक्शन मुझे नजर आ रहा है कि जो मैं भी बोल रहा हूँ मैं अपने आप को भी देख पा रहा हूँ कि मैं क्या रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ तो मेरा मेरा एक कनेक्ट जो है वो बिल्ड हो पा रहा है थ्रू दिस टेक्नोलॉजी ठीक है सो so, मैं थोड़ा टाइम का वजह मैं सभी का रिस्पॉन्स नहीं ले रहे सो so, मैं सीधा बता देंगे ठीक है अभी आप पावर पॉइंट से ऐसा स्लाइड्स एक, -एक स्लाइड मूव कर सकते हाइपर लिंक करके मे बी लाइक फॉर एग्जांपल आई वांटेड टू गो टू दिस टॉपिक ऐसा आप लिंक भी पावर पॉइंट से भी कर सकते मूव कर, कर रहे ये पावर पॉइंट से पॉसिबल नहीं है मैं अभी मेरा मीडिया मैं इधर से बोला था ना मेरा क्लासरूम से डिसाइड करना पड़ेगा मीडिया क्यों ये मीडिया सेलेक्ट किया बिकॉज मेरा मीडियम अभी ऑनलाइन है आप सभी बोर होता है मैं पावर पॉइंट मूव मूव करके बात करेंगे uh, सर बोला था हम दोनों का थोड़ा कनेक्ट बिल्ड हो है राइट सिंपल साइकोलॉजिकल चीज है कुछ भी स्क्रीन से मूवमेंट होता है आपका आईबॉल उधर से फिक्स होगा राइट

प्रेसी एक सॉफ्टवेयर है आप पावर पॉइंट रहे ना सिमिलरली एक और सॉफ्टवेयर है प्रेजी उधर से आप जूम इन कर सकते हैं ऐसा मूव कर सकते हैं सो so, आपका टेक्स्ट है थोड़ा बड़ा कर सकते हैं कुछ कुछ पर्सन के लिए छोटा छोटा चीज रीड नहीं कर पा सकते राइट सो so, अभी मेरा जूम करके क्या कर रहे है टेक्स्ट बड़ा कर रहे है so, सो बड़ा होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका आई क्या होगा फिक्स्ड होता है थोड़ा वाइड होता है अनोइंगली आपका इंटेंशनली आप नहीं कर रहे हैं अन इंटेंशनली ऑल्सो वो रेस्पॉन्ड करते हैं सो बिकॉज द ट्रेनिंग इज इन ऑनलाइन मैं अभी क्या किया ये टूल्स यूज कर रहे सो so हम पहले टेक्नोलॉजी पेडेगोलॉजी हमारा क्लासरूम यूज करने के लिए डिजाइन करने के टाइम फर्स्ट हम डिसाइड करना कौन सा मीडियम है देन सेकेंड थी थिंक करना है कौन सा मीडिया है ये जरूरी डिस्कस करना पड़ेगा तीसरा चीज है मैं डिसाइड कर दिया मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर देंगे ये ये इमेज पहले ऑलरेडी एक सेशन से ऑलरेडी यू मस्ट हैव सीन इट एनीबडी हु डू नॉट नो एनीथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर इधर से इतना फॉर्म्स ऑफ ई कंटेंट आप ऑलरेडी चार दिन ज्यादा ई कंटेंट सीखा बट इधर से कुछ भी आपका समझ नहीं आ रही ये क्या है uh, चैट बॉक्स से लिख दीजिए मैं वो एक्सप्लेन कर देंगे सभी में दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी आप चार दिन ज्यादा सीखा था कुछ आपका पता नहीं है वो वो चैट बॉक्स से लिख दीजिए मैं एक मिनट टाइम देख देते हैं आपका देखने के लिए

इट में दो सॉफ्टवेयर दो एप लिख रहे सो यू ऑल हैव टू गिव इट फॉर इंस्टॉलिंग चैटबॉक्स से मैं टाइप किया इफ यू हैव यूज्ड इट फाइन नेवर यूज्ड इट आप ये डाउन ऐप डाउनलोड कर दीजिए बाय द टाइम आई विल एक्सप्लेन अदर थिंग्स देन वी विल गो टू एर वी एल कुछ कुछ पर्सन लिखा है एनर्जाइज बुक क्या है सभी आपका टेक्स्ट बुक है क्यू आर कोड नेवर नॉट सीन टेक्स्ट बुक विद कोड कौन नहीं देखा कभी भी नहीं देखा था मैं टेक्स्ट बुक स्कूल का टेक्स्ट बुक है क्यू आर कोड का साथ आप आपका फिजिकल बुक नॉर्मल टेक्स्ट बुक है नॉर्मल टेक्स्ट बुक से एक क्यू आर टेक्नोलॉजी एड किया एड करके आप क्या कर दिया उधर से डिजिटल कंटेंट कनेक्ट किया राइट right? आप स्कैन करने के टाइम क्या हो रहा है इट यह अ फिजिकल बुक आप क्यूआर कोड स्कैन करने के टाइम आपका डिजिटल कंटेंट मिल रहा है राइट अभी नॉर्मल फिजिकल बुक से थोड़ा एडिशनल फीचर्स ऐड करके वो एनर्जाइज्ड बुक बना दिया सो so, ऐसा कुछ-कुछ फीचर्स -कुछ है आपका नॉर्मल बुक थोड़ा एडिशनल फीचर एड करके एडिशनल चीज दे सकते हैं सो दैट इज कॉल्ड एस एनर्जाइज बुक एनर्जाइज बुक का ज्यादा लेवल्स है अभी हम फर्स्ट लेवल से है अभी क्यू आर कोड अलोन एड किया बट अभी आप साउथ कोरिया का बुक देखेंगे टेक्स्ट बुक देखते हैं बुक से ही स्टूडेंट इज रीडिंग अ टेक्स्ट कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे है डायरेक्टली वो क्लिक करके डिक्शनरी से जा सकते कुछ रीड कर रहे हैं समझ नहीं आ रहे कंटेंट सीधा क्लिक करके टीचर से कनेक्ट करके डाउट पूछ सकते कुछ क्वेश्चंस, कुछ पैराग्राफ टीचर नहीं अवेलेबल है पब्लिक से जाके फोरम से डिस्कशन कर सकते नॉर्मल टेक्स्ट बुक है फीचर्स ऐड करके क्या दिख कर दिया कुछ एनर्जी दिया ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ऐसा एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना बूस्ट ले लो आपका एनर्जी मिलता है ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट आएंगे ना कुछ कुछ ड्रिंक्स के लिए सिमिलरली हम बोलते हैं कुछ एनर्जी डाउन है हम कुछ एडिशनल दे लेने के बाद एनर्जी मिलता है सो नॉर्मल प्रिंटर टेक्स बुक से कुछ एडिशनल फीचर दे दिया कुछ इम्प्रूव किया देन इट इज कॉल्ड एस एनर्जाइज टेक्स्ट बुक दूसरा चीज एनिमेशन एनिमेशन एक्चुअली ज्यादा स्टॉप मोशन एनिमेशन ऑलरेडी आई थिंक यू हैव डन अ सेशन

स्टडी किया आपका क्लास सेवन तक ये नॉर्मल कंटेंट है ऐसा नहीं है ये ज्यादा बड़ा कंटेंट बट नॉर्मल कंटेंट है सो so, मैं एक इधर ले रहे सो लेट मी टेक मेरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन है सभी आंसर लिख दीजिए चैट बॉक्स से हमारा ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है

कब आपका नॉर्मल से नहीं कर सकते यू आर क्रिएटिंग इज सिमुलेशन हमारा बीएड बीएड, क्लासरूम, हमारा क्लासरूम से एक होगा प्रैक्टिस टीचिंग माइक्रो टीचिंग आप माइक्रो टीचिंग टाइम से क्लियर कर देंगे एक्चुअल स्टूडेंट्स नहीं है बट हमारा क्लासमेट स्टूडेंट तरीका बैठ के हमारा क्लासरूम प्रैक्टिस करतेंगे राइट दैट इज अ सिमुलेटेड क्लासरूम सिमिलरली इधर से मैं एक्सपेरिमेंट मेरा ब्लड ऐसा लेके नहीं कर सकते फिजिकली सो मैं एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया ऐसा करने के लिए सो so, अभी मैं ब्लड लेके पीएच वैल्यू चेक कर रही 7.4 क्या होगा इफ आई एड वाटर टू दिस व्हाट विल हैपन टू द पीएच वैल्यू कैन आई गेट सम आंसर्स

ऐसा हम क्वेश्चन पूछने के टाइम ज्यादा पीपल रेस्पॉन्स पहले हमारा एक्सपेरिमेंट था हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा पर्सन आंसर बोलते हैं डायलूट हो गया दैट इज वाई इट इज डिक्रीजिंग सो हम दोबारा एक्चुअली दूसरा आइटम लेना है अभी मैं ये क्लियर कर रहे हैं आई एम जस्ट टेकिंग चिकन सूप पीएच वैल्यू देख रहे हैं फाइव पॉइंट एट वाटर एड करने के टाइम पीएच वैल्यू क्या कर रहे हैं इनक्रीज हो रहे हैं देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं इधर पूरा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर नहीं कर पा रहे सो so, हम क्या कर रहे हैंटेड एनवायरमेंट करके हम एक्सपेरिमेंट बना रहे दिस इज कॉल्ड एस सिमेशन राइट कुछ पर्सन का क्वेश्चन आ सकते है ये वर्चुअल लैब है ना क्यों आप सिमुलेशन बोल रहे है

देर एक डिफरेंस है एनिमेशन एनिमेशन सिमुलेशन का से वन वे है आपका इनपुट का वजह रेस्पॉन्स चेंज नहीं होगा एनिमेशन सिमुलेशन आपका रिस्पॉन्स क्या दे रहे है आपका इनपुट क्या दे रहे ऐसा रिस्पॉन्स चेंज होगा इधर आप देख सकते हैं मैं अभी ड्रेन क्लीनर चूज करेंगे देन ड्रेन क्लीनर इधर से आएंगे राइट

Open the app, see, and come back. Eight minute time. Everyone should get up from your place. Just take your mobile, just go around, check, and then come back for a minute. I'll take first five hands up to ask the question. First five people who are raising their virtual hand. Those who have already answered will not get again a chance. We'll take only five people who have never spoken. Hey, okay, Rosy Ma'am has already spoken, so you are not allowed. Sorry, lower your hand. Uh, those who didn't speak till now, first five people will give option. Okay, yeah. Mufti Shiba, madam. What did you see? Uh, uh, good morning, ma'am. Uh, ma'am, I could see Aquarius constellation. Okay. You said only one. Did you see all the 360 degree? Yes, I, uh, I could see only one. Pisces okay. also and Aries also, yes. Okay. Smriti, ma'am. Ma'am, lots ma of stars. Okay. You seen by success? me. Yeah. You have seen uh, very stars. Very nice. Okay. Deepa ma'am. Ma'am unmute. Unmute. Deepa ma'am unmute. Yeah. It shows a map on my screen. It shows a map on your screen? Yes, ma'am. Which map? Uh where I'm Have you opened Skyview Light? Yes, ma'am. Okay. Right. Sushil, sir. Sushil, sir, you can unmute. No. Okay. no, sir. Hello. Yes. Hello. Ma'am, Ma, can I speak? Yes, yes, please. Yeah. Uh, ma'am i have not also given a chance to speak and uh, i want to say uh, the session which is being conducted but sir you have to be very specific now you have to be very the, specific the simulator which you have used this it app, what did you effective. see what did you see in that ma'am i saw that the real time uh, changing that the thought process of the student if suppose

Actually, we have to be very specific during our, otherwise, it will be a waste of time for others as well. Okay. Yeah. So there are so many hands who wanted to share. You can write in the chat box, but. Uh मैम राशि चेक दिखाई दिया, जैसे कि लियो राशि देखे मैंने और आप देखा सो so, अभी आप सभी सा, स्काई व्यू से देखा ना वो क्या है सो so, आप सभी देखा ना ये आर्ग्यूमेंटेड रियालिटी है आर्ग्यूमेंटल रियालिटी क्या होगा आपका नॉर्मल एनवायरमेंट है वो आर्ग्यूमेंट करके दूसरा बना दिया आप फोन मोबाइल दे, से देखने के टाइम आप क्या देखा आप, आपका रूम से ही है बट यू आर इट लुक्स लाइक एस एफ यू आर इन द स्काई

वर्चुअल वर्चुअल रिकॉर्ड रियलिटी के लिए आप उधर से जाना है ठीक है so, सो हम अभी ये पूरा ई कंटेंट आपका पता है आप कुछ भी ई कंटेंट आप यूज कर सकते जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज सो so, आप सभी का पता है ये पूरा ई कंटेंट कुछ भी यूज कर सकते हैं हम एक फर्स्ट हम लेना है हम प्लान करने के टाइम कौन सा ई कंटेंट यूज कर दें सेकेंड चीज है डिसाइड करना वो ई कंटेंट से कौन सा फॉर्मेट यूज कर देंगे ये आप ऑलरेडी सीखा था इन द ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग आपका पहले पता है ऐसा एक एक का एक एक फॉर्मेट है ऐसा नहीं है ओनली ऑडियो वीडियो हैज फॉर्मेट इंटर रिसोर्सेस का फॉर्मैट है सभी ई कंटेंट फॉर्म्स के लिए फॉर्मेट है हम डिसाइड करना है कौन सा फॉर्मेट यूज करना फॉर एग्जाम्पल आपका क्लास है मैक्स क्लास आप एक वीडियो बनना है मैक्स क्लास के लिए मैक्स क्लास आपका कैसा रिकॉर्ड करेंगे मैक्सिमम मैथमेटिक्स का बोर्ड से कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा राइट सो यूजुअली टीचर कैसा रिकॉर्ड कर देंगे ऐसा बोर्ड है टीचर ऐसा स्टैंड करके ऐसा लिख देंगे कैमरा कैसा रिकॉर्ड करा पीछे से रिकॉर्ड करते हैं सो so, कैमरा पर्सन ऑलवेज टेल्स स्टैंड इन फोर्टी फाइव डिग्री एंड राइट हम ऐसा फोर्टी फाइव डिग्री स्टैंड करके लिखने टाइम हमारा हाथ उतना दूर तक नहीं आते प्रॉपरली लिखने के लिए ये टेंशन का वजह टीचर्स का वीडियो ऐसा रिकॉर्ड करेंगे ज्यादा बोरिंग तरीका होगा फेस से टेंशन देखेंगे बट आप अभी ज्यादा वीडियोस देखा था बाइजूस का वीडियो देखा था, सीन बाइजूस वीडियो और आई का कुछ कुछ वीडियो ऐसा सीधा स्टैंड करेंगे ऐसा ही लिखेंगे फिंगर का साथ राइट right? ऐसा लिखेंगे टेक्स्ट आगे आएंगे पीछे नहीं आगे वो फॉर्मेट क्या है वो वीडियो का फॉर्मेट है ग्लास स्क्रीन हमारा राइटिंग स्क्रीन पीछे नहीं है वो आगे है ट्रांसपेरेंट रखा था सो so स्क्रीन रखा उधर क्या क्या लिख रहे हैं आपका देख सकते so video, हैं कब आपका कंटेंट आगे आना है पीछे नहीं शो करना है दिन स्क्रीन वीडियो होगा आप अभी ये सिमुलेशन में शो किया था यू वॉन्ट टू यूज दिस सिमुलेशन इनसाइड योर वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते सो दैट टाइम वॉट यू कैन डू यू कैन टेक अ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ वॉट यू आर डूइंग, मेरा बाहर से कैमरा से नहीं ले रहे मेरा कंप्यूटर का इंटरनल कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे दैट इज कॉल्ड दैट इज एस अ स्क्रीन कैस्ट ये कब यूज होगा आपका कुछ भी कंटेंट है कंप्यूटर से ही प्ले होता है बाहर से रिकॉर्ड नहीं कर सकते कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस टीचर्स पूरा यही यूज करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग टीच कर रहे कैसा कोड लिखना है कैसा प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिखना है देन आपका स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ेगा सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग सो एक्चुअली द फॉर्मैट इज नॉट जस्ट फॉर फन और फॉर वेरायटी फॉर्मैट इज अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट फॉर्मैट है अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट अभी आपका सोशल साइंस क्लास है डेमोक्रेसी टीच कर रहे ठीक है यूजुअली हम कैसा टीच कर देंगे मैं टीचर हूं मैं क्या बोल रहा है वो ही रील, यू हैव टू टेक इट आई जस्ट टीच डेमोक्रेसी मींस इट इज फॉर पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल ऐसा एक स्टेटमेंट बोल के जाते हैं व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाई द पीपल फॉर द पीपल टॉप पीपल फॉर द टॉप पीपल बाई दाउन पीपल फॉर फॉर द टाउन पीपल ऐसा ज्यादा इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है कुछ कुछ कंटेंट हमारा है ज्यादा तरीका वो इंटरप्रेट कर सकते ऐसा सब्जेक्ट हम टीच करने के टाइम हम डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज कर सकते बट इट शुड नॉट बी वन पर्सन ओपिनियन राइट ही टाइम डिफरेंट पर्सपेक्टिव आने के टाइम वी हैव टू यूज़ द वीडियो फॉर्मेट नॉट एक्सप्लेनेशन बट वॉक्स पॉपुलटी वॉक्स क्या है पॉपुलस ऑफ वेरियस पीपल राइट एक सोशल साइंस टीचर हम दीक्षा से ज्यादा कंटेंट अपलोड कर दिया था सभी स्टेट्स हम नॉर्मली हम देखेंगे एयर पोल्यूशन टॉपिक है उधर से एक चैप एक पार्ट ऑफ द कंटेंट है ताजमहल कलर है डू टू एयर पोल्यूशन ऐसा एक कंटेंट एनसीआर से है कभी भी वो यूज कर देंगे ऐसा ही वीडियो बना दिया था बट एक टीचर क्या किया सीधा आगरा गया था आगरा ताजमहाल का इन द सराउंडिंग कितना ओल्ड पीपल है वो सभी का लेके वो इंटरव्यू किया था आप बच्चे टाइप होने के बाद बच्चे मीन सिक्सटी सेवेंटी इयर्स पहले आपका ताजमहल कैसा देखा था सो so, वो एक्सपीरियंशली बोलते हैं सेवेंटी इयर्स का पहले ताजमहल इतना अच्छा था अभी बुरा हुआ कलर का गंदा हो गया ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे ये टीचर पूरा एक एक ओल्ड uh, पीपल का रिकॉर्ड किया वीडियो बना दिया स्टूडेंट्स का शो करने के लिए ये मोर ऑथेंटिक है राइट right? मैं सीधा नहीं बोल रहे बिकॉज आई मे नॉट दैट टाइम था वो बता रहे सो देर इज नीड टू चूज द फॉर्मेट फॉर्मेट सीखने के लिए क्या जरूरी है आपका कंटेंट क्या है वही ऊपर आप फॉर्मेट भी चूज करना चाहिए सो so, आप इन आईसीटी इंटरग्रेशन बात करने के टाइम पहले फर्स्ट चूज करना है कौन सा ई कंटेंट में यूज करेंगे सेकंड कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे थर्ड है कौन सा टूल्स आप यूज कर रहा विच टूल आई विल यूज अभी लास्ट चार दिन से ज्यादा टूल सीखा ये थोड़ा छोटा कलेक्शन है मेरा एक फैकल्टी ऐसा बना दिया था ज्यादा पर्सन का रिफ्लेक्शन होगा चार दिन से इतना सॉफ्टवेयर बोला मुझे एक भी रिमेम्बर नहीं कर सकता कितना पसंद ऐसा फीलिंग है चार ऑलरेडी एक्सप्रेशन से बोला था मैं दैट्स व्हाई आई आस्ट चार दिन ज्यादा बोल दिया मैडम प्रैक्टिकल का टाइम नहीं है कभी भी मिल नहीं मिलता है बिकॉज एक एक दिन का टूल चेंज होता है आज आप पांच दिन मीटिंग पूरा 365 डेज ट्रेनिंग देने के बाद भी हमारा प्रैक्टिकल का टाइम समझ नहीं आते कितना पड़ेगा सो so, हम क्या करना है यही वजह, वी आर नॉट सभी सभी सीखना पड़ेगा, राइट? Right? आप डिसाइड करना है, मेरा क्लास से इतना टूल से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा चूज करके सीखो एक एयर के लिए मिनिमम आप ऐसा टारगेट रखना पड़ेगा ऐसा

बट अभी आपका एक डिफरेंट ऑफ एटीट्यूड आना चाहिए आईसीटी पावर पॉइंट अलोन नहीं ज्यादा है मैं ये ज्यादा से मेरा क्लासरूम इंप्रूव करने के लिए आपका अलग अलग चैलेंज होगा कुछ कुछ टीचर्स के लिए चैलेंज अलग होगा कुछ टीचर्स के लिए आप क्यों आईसीटी क्लासरूम से लेके आ रहे वो पर्पस अलग अलग होगा सो so आपका पर्पज का वजह आप डिसाइड करना मेरा पर्पज यही है दिस इज वाई आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी सो आप में टेक्नोलॉजी यूज करने के दैट इज वाई आई एम चूसिंग दिस टूल एक टारगेट रखो एटलीस्ट दो टूल कंप्लीटली सीखने के लिए राइट सो आप सीखने के टाइम सर का क्वेश्चन है में सेल्फ लर्निंग करने के टाइम ज्यादा डाउट आते हैं। कौन का पास पूछ सकते दैट इज वाई आपका ग्रुप बना दिया बट हम लास्ट टेन इयर्स देख रही है इतना बोलने के बाद वापस जाने के बाद मैसेज आते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हैप्पी दिवाली ओनली विल बी पुट अप कौन इधर से पांच दिन हाईली एक्साइटेड था ये पांच दिन आप स्कूल का अलावा कुछ सोच रहे ना सो सभी एक्साइटमेंट होता है जाने के बाद रेगुलर लाइफ होता है एक्साइटमेंट ज्यादा परसेंट नाइनटी पीपल लूज So, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए ये पांच दिन आपका एक ऑपॉर्चुनिटी मिला आठ घंटे आप इधर से स्पेंड किया आपका रेगुलर काम से हटा के आप अभी थोड़ा आपका एक्सपोजर मिला ज्यादा कंट्री से ज्यादा पीपल का ये एक्सपोजर भी नहीं है सो so, दोबारा आप दूसरा पर्सन ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा अभी नेक्स्ट लेवल जाने के लिए सेल्फ मोटिवेशन चाहिए सेल्फ लर्निंग चाहिए अदरवाइज आप नहीं जा सकते मैं बैकग्राउंड मेरा बैकग्राउंड है मैथमेटिक्स विद एम एड एंड पी एंड पीएचडी इन एजुकेशन है कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं है आज मैं आईसीटी टीच कर रहे जस्ट बिकॉज कंसिस्टेंटली आप थोड़ा थोड़ा सीखे इंप्रूव करना पड़ेगा एक्साइटमेंट से ज्यादा लेके कुछ भी नहीं कर सकते इट विल बी ओवर राइट होटल से हम कैसा जाते हैं पहले जाकर मेनू कार्ड देखेंगे क्या क्या है देखने के बाद सभी ऑर्डर नहीं करते वो ऑर्डर करते हैं अभी पांच दिन आपका मेनू कार्ड देखने के लिए टाइम है अभी आज डिसीशन ले लीजिए क्या मैं लेके खा, रियली खाना चाहिए सभी का ऑडियो नहीं आते सभी का वीडियो नहीं आते सभी का इंटरेक्टिव आपका क्या पसंद हो गया क्या आपका हार्ट से टच किया एक चीज चूज कर दो वही से काम करो दैट इज वॉट आपका Uh, ये लास्ट सेशन आप रियली टेक्नोलॉजी इंटरग्रेट करना है आप टूल्स अभी पता हो गया आपका मेन चीज है डिसाइड भी करना मेरा क्लास है मैं अलग अलग तरीका यूज कर सकते टेक्नोलॉजी आप वीडियो बना दिया वीडियो सप्लीमेंट भी कर सकते मैं अभी एक इमेज यूज कर रहे मेरा स्क्रीन से राइट इन वॉट वे विच मेथड ऑफ दिस फोर आई एम यूजिंग फॉर माई प्रेजेंटेशन अभी ये इमेज भी कंटेंट है ना ये अभी इमेज में मेरा ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे आई एम आई यूजिंग इट एज ए सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट और इन इंटरग्रेटेड और इन आपका आंसर क्या है व्हाट डू यू थिंक आई एम वेदर दिस इमेज इज सप्लीमेंटिंग मी व्हाट आई एम स्पीकिंग और इज इज कॉम्प्लीमेंटिंग वॉट आई एम स्पीकिंग और इस बट आई एम यूजिंग इट एज कॉम्प्लीमेंट मैं अभी कुछ और वॉइस से बोल रहे वो सपोर्ट करने के लिए इमेज यूज कर रहे वो कॉम्प्लीमेंट्री है मैं क्या क्या बोल रहे मेरा कॉम्प्लीमेंट कर रहे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा पावर पॉइंट क्लासरूम से यूज कर रहे कॉम्प्लीमेंट्री तरीका यूज कर रहे कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट नॉर्मल टर्म क्या होगा आप ब्रू लेते एक बॉक्स देते कॉम्प्लीमेंट आप बूस्ट लेते दे गिव शेकर एज अ कॉम्प्लीमेंट क्यों यू? साथ यूज करना राइट right? सप्लीमेंट क्या होगा आपका कैल्शियम डिफिशियंसी है एडिशनली कैल्शियम सप्लीमेंट ले लो विटामिन सी डिफिशियंसी है साथ एडिशनली क्या लेना है विटामिन सी का का कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन कर देंगे वो सप्लीमेंट है हमारा पता कर दिया बट ज्यादा बोलने के लिए आपका टाइम नहीं है सिलेबस से वो इन डिटेल नहीं जाना है बट कुछ एनकरेज करने के लिए हम क्या कर सकते एक साइंटिस्ट का ऊपर एक वीडियो दे सकते एडिशनल आप कुछ सीखा था क्लास से कंटिन्यू करने के लिए आप टेक्नोलॉजी रिसोर्स यूज कर सकते सेकेंड है मैं क्लासरूम से क्या बोल रहे वो कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी मैं टेक्नोलॉजी यूज कर सकते तीसरा है इंटरग्रेटेड मैं आपका अभी मेंटीमीटर शो किया मेंटीमीटर मेरा क्लास से अभी यूज किया दैट इज इंटरग्रेटेड क्यों इट इज नॉट जस्ट टू सप्लीमेंट व्हाट आई स्पीक इट इज पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी टू लर्न व्हाट यू नो बट उधर से क्या होगा मेंटीमीटर अलग सॉफ्टवेयर है उधर से आज मैं एक क्वेश्चन पुट अप किया था कल मैं कंटेंट चेंज कर सकते राइट right? वो वेन एवर टेक्नोलॉजीड लेवल वो पेपर शुगर मिक्स करने का टाइप है पेपर एंड शुगर आप मिक्स करने के बाद दोबारा अलग अलग कर सकते बट लेमन जूस एंड वाटर मिक्स करने के टाइम का बाद क्या कर सकते अलग अलग कर सकते नहीं कर सकते बट वो कितना वाटर आप डाल दिया उधर से एसेंस पता होगा कितना लाइन जूस डाल दिया वो एसेंस आपका पता होगा सो so इनफ्यूज ऐसा स्टेज है अभी मैं आपका एक सॉफ्टवेयर शो कर देंगे जियो जिब्रा मैथ्स टीचर्स का कल एक्सप्लेन किया बट जनरली ये मैथ्स का अलोन नहीं है सभी टीचर्स यूज कर सकते ये एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्यूज है टाइम सो इधर से आप कुछ भी एक्चुअली रफली आई एम टेकिंग आप इधर देख सकते ये एक सिम्युलेशन तरीका है ऑल द सिमेश लेवल ऑफ इन्फ्यूज में मूव करने के टाइम एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर का अलग कंटेंट हम नहीं डाल रहे सॉफ्टवेयर इज बिल्ट बेस्ड ऑन द मैथमेटिकलसेप्ट एंड यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कॉन्सेप्टवेयर सो दिस इज ऑल एट दिन सो आप डिसाइड करना पड़ेगा में कौन सा कंटेंट मेरा परपज का साथ में यूज करेंगे कौन सा फॉर्मेट कौन सा टूल कैसा यूज करना है बट ये पूरा करने के लिए फर्स्ट आप डेवलप करना है आपका नॉलेज सभी का डिसिप्लिन का नॉलेज ऑलरेडी हम मास्टर्स बैचलर्स कर दिया था कुछ सब्जेक्ट से सब्जेक्ट है सो सभी का डिसिप्लिन नॉलेज ऑलरेडी है हम सभी बी एड पढ़ा दिया सो पेडोगोजिकल नॉलेज और डायटेक्टिक नॉलेज ऑलरेडी हमारा पास है अभी एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल सोशियोलॉजी ये पूरा हम सीखा था बी से ये पूरा हम सभी का नॉलेज है एक ही एजुकेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज हम इम्प्रूव करना है देन ओनली वी विल बी एबल टू यूज प्रॉपरली बट ये पांच पांच दिन ट्रेनिंग नहीं दे सकते सो so आपका सेल्फ लर्निंग कैसा इंप्रूव हो सकता है सो देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी एक अपॉर्चुनिटी है सीआईटी रेगुलरली ट्रेनिंग कंडक्ट कर देंगे आप सी वेबसाइट से जाके यू कैन सी अंडर एक्टिविटीज दो चीज है सॉरी अंडर एक्टिविटीज वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग है ऑनलाइन कोर्सेस है एंड वेबिनार है ये तीनों आपका कंटिन्यूस लर्निंग के लिए हेल्प करते हैं वर्कशॉप ट्रेनिंग के आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वीक साइबर सेफ्टी का ऊपर ट्रेनिंग होगा थर्ड एंड फोर्थ वीक आपका कुछ आईसीटी का ऊपर ट्रेनिंग होगा सो so, अभी दिस ईयर कितना ऑलरेडी ट्वेल्व ट्वेल्व थर्टीन ट्रेनिंग कंप्लीटेड है आप मिस किया अभी भी आप टीच कर सकते हैं आप इधर देख सकते हैं ट्वेंटी फोर मा जून से कितना प्रोग्राम शुरू हो गया उतना से आप कर सकते सो so, आप कुछ भी कंटेंट अभी ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस अच्छा से सीखना है आप ये सीख सकते हैं आप इधर जाते हैं आपका पूरा सेशन का लिंक मिला आप एक कोर्स ज्वाइन करना है पांच घंटे का कोर्स है करके आप पास करेंगे सर्टिफिकेट भी मिलता है सो so, ये आप कंटिन्यूसली लर्निंग के लिए एक अपरचुनिटी है दूसरा है आपका एक्टिविटीज है ऑनलाइन कोर्सेस आप ऑनलाइन कोर्सेस का सॉरी ऑनलाइन कोर्सेस से जाके आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट ऑनलाइन कोर्सेस है ये पूरा पांच घंटे का इतना कोर्सेस आपका अवेलेबल है आप कौन सा भी कोर्सेस ज्वाइन करके हिंदी इंग्लिश दोनों वर्षन अवेलेबल है सो आप ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं अभी आप वेबिनार का पेज देखेंगे ऑलरेडी थाउजेंड प्लस Sessions कर दिया सभी टूल्स आप इधर से सीखा था मोर सीख टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड अभी पहले इंग्लिश ले लिया अभी हिंदी वर्शन रिपीट कर रहे सो so, आपका कौन सा टूल सीखना है वो एक टूल लेके पहले फर्स्ट सीखो प्रैक्टिस कर दो देन दूसरा टूल से जाना सो so, ये सेल्फ लर्निंग का पूरा रिसोर्स आपका अपलोड करके रखा था आप यूज करके आप लर्न कर सकते राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंप्रूव आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज एक लास्ट पॉइंट है आप क्या होगा कॉग्नेटिव फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल तीनों एक्चुअली आप इंटरग्रेट uh, करना चाहिए इन द आईसीटी यूसेज मैं एक ही वीडियो शो कर रहे है आपका थोड़ा आपका समझ आने के you yes. जिकली एम्बॉडीड लर्निंग बोलते तीनों होना चाहिए अभी हम वन एंड हाफ आवर से रहे सिटिंग इन वन पोजिशन फॉर वन एंड हाफ आवर्स विल ब्रिंग प्रॉब्लम फिजिकली दैट इज वाई हम एक एक्टिविटी दिया था आप करो थोड़ा वॉक करके आ जाओ थोड़ा आपका हाथ लेग स्ट्रेच हो गया आपका स्क्रीन टाइम ब्रेक हो गया सो so आप कभी भी टेक्नोलॉजी आपका इंटरग्रेट कर देंगे ऐसा एक्टिविटी सोचना पड़ेगा बट पार्टिसिपेंट्स के लिए पता नहीं होना चाहिए वो आप वॉन्टेडली ब्रेक करने के लिए कर रहे हैं आपका ऐसा फील किया मैन आई गेव एक्टिविटी डिड यू थिंक दूइंग दिस ओनली फॉर दिस एम्बॉडीड लर्निंग राइट बट क्लास रूम से ही इंटरग्रेट हो गया बट मेरा दूसरा चीज भी अचीव हो गया सो so आप आपका क्लास रूम से टेक्नोलॉजी प्लान करने के टाइम आईसीटी से मेसमराइज होके लॉस नहीं होना चाहिए टेक्नोलॉजी शुड बी अपोर्ट टू यू नॉट टू रिप्लेस यू

सो so, आप आईसीटी पेडागोजी इंटरग्रेशन करने के टाइम ऐसा नहीं है कंटेंट मेथड एंड टेक्नोलॉजी आप दूसरा चीज भी ध्यान रखना है दैट इज वन थिंग इज दिस पर्टिकुलर पार्ट विच आई टोल्ड एम्बॉडीड लर्निंग दूसरा है ब्लेंडेड लर्निंग आप कभी भी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे क्लासरूम से थोड़ा ब्लेंडेड अप्रोच फॉलो कर दीजिए सो so मैं ये प्रेजेंटेशन देते हैं आप ऐसा क्लिक करके देखने के बाद आपका थोड़ा ज्यादा डिटेल्स मिलता है आप ये पूरा सीखना है बिकॉज ये पांच दिन से ये ज्यादा होगा इफ यू फील इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर मेरा क्लासरूम कैसा ब्लेंडर करना है आप इंटरनेट से जाके ब्लेंडर लर्निंग कॉमन वेल्थ ऑफ लर्निंग ऐसा सर्च कर दीजिए आपका एक अच्छा बुक मिलता है दिस इज कंप्लीटली मेरा इमेज है ये बुक ये ये कंटेंट पूरा ये बुक का ऊपर है आप एग्जाम्पल का साथ रीड कर सकते राइट right? मैं अभी ये लिंक आपका दे रहे ये लिंक क्या है अभी आई एम यूजिंग टेक्नोलॉजी आपका वीडियो भी मिलता है बुक का साथ पूरा ये कोर्स भी ऑनलाइन है आप कर सकते सो दैट इज दट यू कैन डू इट सो दिस इज वन ऑफ द गुड दिस इज नाउ आई एम गिविंग दिस वेबसाइट एज अ सप्लीमेंट मेटीरियल फॉर यू आई एम यूजिंग दिस ई कंटेंट एज अ सप्लीमेंट मेटेरियल फॉर यू सो दैट इज वन थिंग विच मेंटिंग ऑलवेज ट्राई आउट एक्शन रिसर्च कर दीजिए मेरा कर दी यूज किया अच्छा है नहीं है क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपका एक्सपीरियंस दूसरा पर्सन का शेयर कर दो आप इवेल्युएशन करने के टाइम जस्ट रिजल्ट इवेल्युएट नहीं करना स्टूडेंट्स के पसंद आ गया नहीं पसंद आ गया ऐसा रिएक्शन क्या है डर हो रहे और कंफर्टेबल हो रहे वो भी देखना पड़ेगा कुछ बिहेवियरल चेंज इम्पैक्ट आ रहे हैं और लर्निंग कैसा हो रहे है ये पूरा भी आप देखना पड़ेगा सो आई सी टी पेडेगोलॉजी इंटरग्रेशन आप करने के टाइम ये पूरा हम ध्यान रखना पड़ेगा राइट सो लेट मी स्टॉप ये Uh, mujapatahabi uh, break time here uh, next uh, 10 minutes either so if anybody has a particular question you can ask otherwise kindly take your uh, aluk you want to give some uh, anybody would like to uh, admin team want to give some instruction you can and in the break time if anybody wants to take a question two minutes i can take questions on